आदाब अर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। टीआरएस पार्टी को ज़िले सतह पर मुस्तहकम करने और किसानों की भलाई के इकदाम के लिए हमेशा तैयार रहने की हिदायत वज़ीर-ए-आला केसीआर ने पार्टी क़ायदीन के अहम इजलास से किया खिताब। मजलिस अराकीन असेंबली और अराकीन बल्दिया ने मुतालिका हलकों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का किया मुआयना, कामों को जल्द तकमील करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। सनत नगर असेंबली हलके में 1,922 करोड़ रुपये की लागत से 248 डबल बेडरूम की तामीर रियासती वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। पुराने शहर के पंजेशा में एक ओमिक्रॉन केस मंजर आम पर टीम्स को मुंतकली, रियासत भर में 9 ओमिक्रॉन केसेस की महकमे सेहत आमा के डायरेक्टर ने की तौसीख। गांजे की मुंतकली में मुलविस 10 अफराद जेर हिरासत, 240 किलो गांजा जब्त, SOT एलबी नगर जोन और वंसलीपुरम पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामान, अराकीन असम्बली और कौंसिल के अलावा मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के सुदूर नशीन और पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास वज़ीर-ए-आला ने मुनक़िद किया। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा इस इजलास में राय के मुताबिक रियासत के किसानों से धान की खरीदी के लिए मरकज पर दबाव डालने के सिलसिले में रियासत के 100 असेंबली हलकों में धरने मुनज़िम करने को तरजीह दी गई। इस सिलसिले में बाद अज़ां TRS कायद ने बताया कि देहाती सतह पर 20 तारीख को धरने मुनज़िम किए जाएंगे। इसके एहतजाज की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासी वज़रा, अराकीन पार्लियामान, अराकीन असम्बली और कौंसिल को हिदायत दी कि वह मरकज़ की BJP हुकूमत की नाकामियों को आवाम के सामने पेश करें। बाज़ा नरेंद्र रेड्डी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के इलाके फैसलबंडा ता चंपापेट तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर के तामीरी कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी और तातुल शुदा कामों को जल्द तकमील करने की जानिब तवज्जो भी मबजूल करवाई। इस मौके पर अब्दुलवसी के हमराह मुतालिका कॉरपोरेटर के सरगर्म मजलिसी कारकुनान और GHMC अहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नसख के टी रामा राव ने सनत नगर असम्बली हलके के चाचा नेहरू नगर में GHMC की जानिब से तामीर करदा 248 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल मिला। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मकानात हुकूमत ने 1,922 करोड़ रुपये की लागत से तामीर किए हैं और मुस्तहकीन में मुफ्त तकसीम किए हैं, जिसकी मार्केट कीमत तकरीबन 40 लाख रुपये है। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद की आवाम को तयखुन दिया कि हर मुस्तहक खानदान को कमज़ोर तबकात को हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदाम पर तफसीली बात भी की। शासन मंडली सभ्युरालु श्रीमती वाणीदेवी अक्कगारु, डिप्टी मेयर गौरवनीयुलु पेद्दलु श्रीलता
శోభన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు స్థానిక కార్పొరేటర్ హేమలత గారు, తమ్ముడు తలసాని సాయి గారు, అదేవిధంగా పవన్ గారు, గౌరవనీయులైన వేదిక మీద ఉన్న కార్పొరేటర్లు, మా కమిషనర్ గారు జిహెచ్ఎంసి లోకేష్ కుమార్ గారు, హైదరాబాద్ కలెక్టర్ గారు గౌరవనీయులు చైర్మన్ గారు, అదేవిధంగా మా చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు సురేష్ గారు ఇండ్ల నిర్మాణాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు, వారికి, వారి బృందానికి, పాత్రికేయ మిత్రులకు, అందరికంటే పొద్దున అందరికంటే ముఖ్యంగా పొద్దున పొద్దున్నే 9 గంటలకే బయటకు వచ్చి మాకు స్వాగతం చెప్పిన మా అక్కలకు, చెల్లెళ్లకు, అన్నలకు. कोविंद में थादर मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुतालिका हलकों और डिवीजन्स के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों की तकमील के लिए इकदामात को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हलके कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने नानलंगर डिवीजन के इलाका जात हकीम पेट घुंटा और पैरामाउंट गेट नंबर 2 के करीब तामीर की जा रही VDCC सड़क के कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमराह मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और GHMC अहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने कामों की जल्द तकमील करने की भी हिदायत दी। बाज़ा उन्होंने बस्ती दवाखाने का भी मुआयना किया और टीका अंदाजी के अमल की पेशरफ्त का तफसीली तौर पर जायजा भी लिया। कोविड ओमाइक्रॉन वेरिएंट पुराने शहर में भी दाखिल हो चुका है। पंजेशा गुरुना गली के साकिन एक शख्स को जो दुबई से हैदराबाद पहुंचा था वो ओमिक्रॉन से मुतासर पाया गया। फौरी महकमे सेहत के अहदेदारों ने इस शख्स को टिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया। नाज़रीन नामी इस खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली तौर पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کئی کارپوریشنز کے صدور نشین کے عہدوں پر پارٹی قائدین کو نامزد کرنے کے اقدامات کیے اور سلسلے میں بہت جلد احکامات جاری کر دیے جائیں گے۔ سابق رکن خانساز کونسل اکولا للیتا کو صدر نشین وومنز فائنانس کارپوریشن، جی ناگیش کو صدر نشین بیوریج کارپوریشن، جگن موہن ریڈی کو صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ ٹیکنیکل سروسز، گوری شنکر کو صدر نشین ساہتیہ اکیڈمی اور بالا راجو کو صدر نشین تلنگانہ شپ اینڈ گوڈ ڈیولپمنٹ مقرر کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں اومیکرون کا ایک اور کیس منظر عام پر آیا ہے۔ ریاست میں اب تک جملہ 8 کیسز درج ہو چکے ہیں۔ جمعرات کی رات حیدرآباد کے پرانے شہر کے میر چوک پولیس اسٹیشن حدود کی گرونا گلی سے ایک شخص کو ٹیمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ 30 سالہ محمد نصیر چند دن قبل دبئی سے حیدرآباد آئے تھے، ان کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ تاہم نصیر نے کہا کہ انہوں نے اپولو میں اپنا ٹیسٹ کروایا تھا اور ان کی رپورٹ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان میں کوئی اومیکرون کی علامات بھی نہیں ہے۔ طبی عملہ جب نصیر کو لینے کے لیے ان کے گھر پہنچا تو علاقے میں سنسنی دیکھی گئی۔ واضح رہے کہ جمعرات کی رات اومیکرون کے 4 کیسز کی مزید تصدیق کی گئی ہے، جس میں سے 3 افریقی باشندے بتائے گئے ہیں اور ایک مقامی شخص بتایا گیا ہے۔ اب ریاست میں اومیکرون کے 8 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے ٹولی چوکی کے پیرامونٹ کالونی میں مقیم 2 افریقی باشندوں بشمول ایک خاتون میں اومیکرون مثبت پایا گیا تھا اور انہیں ٹیمز منتقل کر دیا گیا تھا۔ پیرامونٹ کالونی کے تمام مکینوں کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ پیرامونٹ کالونی کے آس پاس کے علاقوں میں بھی ادویات کا چھڑکاؤ جاری ہے اور طبی شعبہ علاقے میں متحرک ہو گیا ہے۔ हेलो
پنجے شام میں اومیکرون سے متاثر ایک شخص کی تصدیق کے بعد شعبہ صحت متحرک ہو گیا ہے۔ جمعے کو متاثرہ شخص کے رہائشی مقام واقع گرونا گلی میں اسی افراد کے ریپائڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ ریپائڈ ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آئی ہے، جبکہ 35 افراد کے آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ ان کی رپورٹ آنے کے بعد اگر کوئی مثبت پایا جاتا ہے تو اس علاقوں کو کنٹینمنٹ زون بنایا جا سکتا ہے۔ گرونا گلی کے متاثرہ شخص نے افراد خاندان کے بھی ٹیسٹ کیے، جبکہ متاثرہ علاقے پر شعبہ صحت کی طرف سے نظر رکھی جا رہی ہے۔ ओके राइट मास्क लगाना। محکمہ صحت کے ڈائریکٹر سرینواس راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ میں اومیکرون کے غیر ممالک سے آنے والے 9 کیسز سامنے آئے ہیں، جس میں سے ایک 7 سالہ بچہ بھی شامل ہے، جس کو کولکتہ روانہ کر دیا گیا، جبکہ ماں بقی 8 افراد ریاست میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جو 8 افراد اومیکرون سے متاثر ہوئے ہیں ان میں 3 کینیا سے، 2 دبئی سے، 1 ابوظہبی سے اور 1 سوڈان کے علاوہ دیگر ممالک سے حیدرآباد شمشاباد ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ متاثرہ 8 افراد میں سے 1 کا ہنم کنڈا جبکہ 1 کا پرانے شہر کے پنجے شاہ سے تعلق ہے۔ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر سرینواس راؤ نے کہا کہ عوام کو اومیکرون وبا سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ احتیاطی اقدامات اپنانا ضروری ہے، کیونکہ دنیا بھر میں اب تک صرف لندن میں 1 فرد کی موت واقع ہوئی اور ریاستی حکومت چاہے اومیکرون ہو یا کرونا سے متاثر ہونے والے افراد ہو، ان کا بہتر علاج کروانے کے لیے متحرک ہے۔ سرکاری دواخانوں میں آکسیجن بیڈز، وینٹیلیٹر بیڈز اور دواؤں کا قبل از وقت انتظام کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا کے رحمانہ خطوط پر سختی کے ساتھ عمل کریں، ماسک کا استعمال چاہے گھر ہو یا باہر استعمال کریں اور سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھیں۔ ఆ రోజు ఒక 300 మంది వచ్చారంటే ఒక 60 మందికి చేస్తే సరిపోతుంది, అది ర్యాండమ్గా మేము శాంపిల్ పికప్ చేసుకుంటాం। పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి మేము ఇమీడియట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం, వాళ్ళని హోమ్ ఐసోలేషన్లో పెట్టుకుంటున్నాం। ఇప్పుడు వచ్చిన కేసులన్నీ కూడా ఇంపోర్టెడ్ కేసెస్ అమ్మా, దేనికమ్మా ఇక్కడ మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాలి। ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా డిలే కావట్లేదు, అన్ని గంటల్లోనే అవుతుంది, ఓకేనా? ఇప్పటికీ మొత్తం వచ్చిన రాత్రి వచ్చిన 6 కేసుల్లో టోటల్ 1 కేసు తప్పితే 5 కేసులు ఆల్రెడీ మా కంట్రోల్లో ఉన్నాయి। 1 కేసు తప్పితే ఈ 1 కేసు కూడా పారామౌంట్ కాలనీ ఉంది, పారామౌంట్ కాలనీ ఆల్రెడీ మేము సరెండర్ చేశాం, ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి। صدر نشین کسان رابطہ کمیٹی اور رکن خان ساز کونسل پی راجیشور ریڈی نے بتایا کہ ریاستی حکومت کسانوں کی اراضیات کو پانی سیراب کرنے کے علاوہ مفت 24 گھنٹے برقی سربراہ کرنے کے ساتھ ساتھ رائتو بندھو اسکیم کے تحت فی موسم فی ایکڑ 5,000 روپے فراہم کر رہی ہے، اور کسانوں کی موت واقع ہونے پر ان کے افراد خاندان کو فوری طور پر 5,00,000 روپے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست کے جو بھی کسان مشکلات سے دو چار ہیں
उसकी जिम्मेदार मरकजी हुकूमत है। पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि किसानों के मसाइल को लेकर बी संजय हो या डी अरविंद या कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी हो या उत्तम कुमार रेड्डी, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी अहाते में वाक़े ओल्ड पीजी हॉस्टल में कैरी तोड़ने की गरज से जाने वाला एक मुलाजिम जख्मी हुआ, जिसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक एग्ज़ाम ब्रांच में काम करने वाला एक मुलाजिम वेंकटेश हादसाती तौर पर गिरने से ज़ख्मी हुआ, जिसे बग़ैर इलाज गांधी हॉस्पिटल रुजू किया गया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई गई है। मुतल्लिका पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। शादनगर में वाक़े केशमपेट पुलिस स्टेशन की नई इमारत का जुमेरात को रियासती वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि इस मौके पर मुतालिका रुकन पार्लियामान और रुकन असेंबली के अलावा रियासती वज़ीर पी सबीता इंदा रेड्डी भी मौजूद थीं। तकरीब के बाद जब रियासती वज़रा मीडिया से बात करने के लिए विराजमान हुए, तब रियासती वज़ीर सबीता इंदा रेड्डी को मीडिया चैनल के लोगों की तादाद को देखकर ताज्जुब हुआ और वो इसका जिक्र रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली से करने लगी। महमूद अली ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ताज्जुब खैज नज़रों से मस्कुरा लोगों को देखा। बहरहाल आज जो मीडिया का हाल हो गया है वो किसी से छुपा नहीं है, रिवायती मीडिया नहीं के बराबर है, जबकि यूट्यूबर्स और फेसबुकर्स लोगोस लेकर न सिर्फ सरकारी तकारीब में बल्कि पुलिस और इंटेलिजेंस की मीटिंग्स में भी नज़र आ रहे हैं, जिन पर रोक लगाना ज़रूरी है। बंजारा हिल्स केयर हॉस्पिटल से मुतसिल मेडिकल शॉप के साथ बेकरी भी 24 घंटे खुली रहती है, जिसकी वजह से मुकामी अफराद को तकालीफ का सामना है। मुकामी अफराद के मुताबिक बेकरी की वजह से हॉस्पिटल की गाड़ियों को आने और जाने में तकलीफ हो रही, जबकि मुकामी अफराद को भी शदीद तकलीफ का सामना है। मुतालिका पुलिस और GHMC अहदेदारों से कार्रवाई करने की अपील की गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन से लैस मजीद 81 बिस्तरों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रुकन असम्बली अहमद बदाला ने जुमे को नए बिस्तरों के सेक्शन का आगाज़ किया। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में 280 ऑक्सीजन से लैस बेड्स हो चुके हैं। साबिक में कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत से आवाम को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुस्तकबिल में माजी की हाल का आवाम को सामना ना करना पड़े, उसे देखते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी की थी और आज मजलिस की नुमाइंदगी पर मजीद 90 सेंट्रलाइज ऑक्सीजन बिस्तर आवाम के लिए दस्तियाब रखे गए हैं। एरिया हॉस्पिटल में नए कोविड वार्ड में ये बिस्तर दस्तियाब रहेंगे। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहली एक वेव आई थी कोविड की और दूसरी वेव के अंदर किस तरीके से एक हाहाकार मचे हुआ था,
लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरी वेव के अंदर भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, खास तौर पर नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो तबाही और बर्बादी और जो जानी नुकसान और जो लापरवाही हुई, फिर भी हमारा स्टेट उससे लाख दूरा बेहतर था अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात अपनी जगह है कि ऑक्सीजन की कमी हमको बहुत महसूस हुई, बहुत शिद्दत से ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। तो उसी वक्त से हर जगह हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई को बहाल करें। 10-10 गुना ऑक्सीजन का रेट बढ़ गया था, ऑक्सीजन शॉर्टेज हो गया था। तो जब भी इससे पहले भी यहाँ पर अफजल नगर के अंदर एक टेम्पररी सदर मजलिस ने एक ऑक्सीजन बेड्स लगाकर कोविड के पेशेंट्स को बेड्स की कमी हो गई थी, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे। तो हालांकि लोग गांधी हॉस्पिटल के नाम से डर रहे थे जाने को, लेकिन उतना ही बेहतरीन इलाज हो रहा था गांधी हॉस्पिटल के अंदर। रहा सवाल, गांधी हॉस्पिटल के अंदर इतनी ज्यादा फैसिलिटी थी, इतने ज्यादा लोगों की कैपेसिटी थी, तो उसके हिसाब से दूसरे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर गांधी हॉस्पिटल में हो रहा था। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो लूटमार मची हुई थी पेशेंट्स के ताल्लुक से, जो बिलों के ताल्लुक से, जो हमको आए दिन या तो कोई कोविड से मुतासिर है तो उसका फोन आता था कि बेड दिलाइए, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन दिलाइए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और बिल इतना लगा दिए, बिल में कमी कराइए। सिर्फ यही चीजों से जूझते रहे ये कोविड पीरियड के अंदर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कोशिशें तमाम इसलिए है कि उम्मीद है कि तीसरी वेव उतनी यहाँ पर हम अगर एहतियात करेंगे तो उतनी खतरनाक नहीं होगी। अगर वो खतरनाक खुदा ना खास्ता अगर होती भी है तो हमको हमारी तरफ से जो तैयारी करना है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो तैयारी करें और आप तमाम को, आवाम को सहूलत पहुंचा सकें। आज 90 एडिशनल बेड्स अलग जगह जनरेट कर ऑक्सीजन, पूरे 90 बेड्स को ऑक्सीजन है और उसके साथ साथ वेंटिलेटर्स भी है। लेकिन प्रोविजन ऐसा दिया गया कि पूरे हॉस्पिटल के अंदर 280 बेड है, पूरे हॉस्पिटल के अंदर 280 बेड है। अगर कुछ कम ज्यादा भी है तो हम 280 से 300 बेड भी कर सकते हैं। और प्रोविजन ऐसा है कि तमाम के तमाम हॉस्पिटल को हम कोविड सेंटर में तब्दील भी कर सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ती है। तो ये तमाम चीजों के साथ काम किया गया है और इसके अंदर इसका हम तो नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो भी सैंक्शन होता है और काम करने की इसकी मुबारकबाद और इसका सेहरा हमारे कमिश्नर साहब को जाता है, जो इन्होंने खास दिलचस्पी लेकर मलकपेट हॉस्पिटल के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। ना सिर्फ ये बल्कि पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड भी यहां पर बन रहा है, छोटे बच्चों के लिए भी आईसीयू वार्ड बन रहा है वेंटिलेटर्स के साथ। मैं इंशाल्लाह और यही उम्मीद करता हूं कि हुकूमत से हम और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी हायर HODs है उनसे लेकर यहाँ पर मलकपेट के हॉस्पिटल को और जिस तरीके से डेवलप करना है करेंगे। और यहाँ का स्टाफ भी डेडिकेटेड स्टाफ है, काम कर रहे हैं, सुप्रिटेंडेंट में भी जुस्तजू है, सब मिलकर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और जो भी अगर कुछ खामियां हैं तो वो भी हम दूर करते हुए इस हॉस्पिटल को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। मैं खुद इस लोकेलिटी का हूँ, आपका वोटर हूँ, हमारे मुकामी MLA साहब जनाब बलाला साहब और हमारे कमिश्नर साहब रमेश रेड्डी साहब जो बहुत मेहनत करते हैं सारे, मैं देख रहा हूँ हम एक हफ्ते से मुसलसिल दवाखाने को ही जा रहे हैं। अब दवाखानों में गांधी हॉस्पिटल से शुरू हुआ, नीलोफर हॉस्पिटल, उस्मानिया गया, आज यहाँ पर आए मलकपेट एरिया, और हर दवाखानों को डेवलप किया जा रहा है। वहाँ जो जो चीज़ की कमी है मिशनरीज की, चाहे जिस तरीके से हो, हमारे ऑनरेबल CM साहब ने कहा कि इस मरतबा तमाम हॉस्पिटलों को अपग्रेड किया जाए और अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए। श्री रमेश कुमार साहब जॉइंट कमिश्नर, त्रिलोकशा सुप्रिटेंडेंट सुनीता साहिबा, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर और चेयरमैन साहबा हमारे राधा, हमारे यहाँ के कारपोरेटर जनाब शफी साहब और डेस्क पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों, इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे भाइयों बहनों, यकीनन हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और तेलंगाना स्टेट के अंदर हेल्थ पर बहुत काम किया जा रहा है। तेलंगाना में जब कोरोना आया बहुत परेशान थे लोग, मगर हमारे पास जिस तरह कंट्रोल किया गया उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हमारे CM साहब वहाँ से उनके ऑफिस से
मैं समझता हूँ रात के 2 बजे 2:30 बजे रात तक मुसलसल कंट्रोल कर रहे थे सुबह से शाम तक, ऐसा कोई टाइम नहीं रहता था। हर आधे घंटे में तमाम कलेक्टरों को फोन करते थे, डायरेक्टरों को फोन करते थे, मिनिस्टर साहब को लगाते थे, हेल्थ मिनिस्टर साहब को, हर तरीके से किसी भी तरीके से आवाम को तकलीफ ना हो। इसीलिए हमारे पास सारे हिंदुस्तान में सबसे डेथ रेशियो कम है तो हमारी स्टेट में, सारे हिंदुस्तान में रिकवरी रेट हमारे पास, दूसरे स्टेटों में ऐसा रेट नहीं है, रिकवरी रेट हमारे पास है। इस मरतबा भी सीएम साहब ने तमाम दवाखानों को डेवलप करने के लिए, इस साल हॉस्पिटल के लिए खासतौर से नए हॉस्पिटल बनाने के लिए भी सीएम साहब ने। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर के पास आज तलबा तंजीमों की तरफ से एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में तलबा के सरपरस्तों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। एहतजाजों ने कहा कि नताइज के तनासुब में कमी के लिए हुकूमत जिम्मेदार है। एहतजाजी कारकुनों और सरपरस्तों ने कहा कि बड़ी तादाद में तलबा नाकाम हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड के इम्तहान में ताखिर की वजह से ज़्यादातर तलबा फेल हुए हैं। तालीमी साल के ख़त्म होने के बाद 6 महीने बाद इम्तिहान मुनाकिद किया गया और तलबा जहनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में एहतजाजियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए वहां से मुंतकिल किया। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कम पेल भी देखी गई। हल्के मलकपेट में ख़वातीन को बाएख्तियार बनाने के लिए तरबती मराकज़ और रोज़गार से मरबूत कोर्सेज भी जारी हैं। नौजवानों को रोज़गार की फरहमी के मकसद से 18 दिसंबर बरोज़ हफ्ते को मलकपेट मेरिडियन फंक्शन हॉल में मजलिस की तरफ से जॉब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद दलाला ने बताया कि इस जॉब मेले में 31 कॉरपोरेट कंपनियाँ शिरकत कर रही हैं। तकरीबन 2700 से ज़ायद मुलाजमतों के मौक़े हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हफ्ते को मेरिडियन फंक्शन हॉल में जॉब मेले की तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि 10वीं जमात की अहलियत से ही मुलाजिमतों के मौके दस्तियाब रहेंगे। उन्होंने नौजवानों से इस जॉब मेले में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। कल सवेरे 9 बजे से यहाँ पर मेरिडियन फंक्शन हॉल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जॉब मेला लगाया जा रहा है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, चाहे वो 10th फेल हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, हर एक के लिए वैकेंसीज़ है। जुमला 31 कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके पास 2700 से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर नौकरियों से उनको मिले। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके अंदर हिस्सा लीजिए, ताकि हमारे पास की जो बेरोज़गारी है उसको हम कम करने की कोशिश के अंदर ये जॉब मेला मुनक़िद किए हैं। तो मेरी नौजवानों से और बच्चियों से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि इस जॉब मेले में हिस्सा लेकर इस्तेफादा हासिल। हमारी नगर पुलिस स्टेशन हदूद की मासा टिंग रोड पर जुमेरात की रात एक शख्स पर खातिलाना हमला हुआ। तफसीलात के मुताबिक नीलोफर हॉस्पिटल के पास वाक़ मेडिकल शॉप के मालिक नुमान अपना स्टोर बंद करके घर वापस लौट रहे थे कि नामालूम अफराद ने मासा टिंग रोड के पास उन पर हमला कर दिया। जख्मी हालत में नुमान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और मुतासर नौजवान के बरदर नस्बती ने बताया कि उनके बहनोई की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किस लिए यह हमला हुआ अभी तक इसका इल्म भी नहीं है। हमारी नगर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात जारी है। मेरा नाम अब्बास है, मेरे भोने का नाम सैयद नोमान है। आधा घंटा पहले उनको कोई चाकू से मार के चले गए। उन्होंने उनका मेडिकल हॉल क्लोज करके उनके घर को जाने थे मासा पैक। उनका मेडिकल हॉल नीलोफर हॉस्पिटल के सामने कुवे शफी मेडिकल हॉल है, वहाँ से उन्होंने उनके घर मासा पैंक जा रहे थे। तो मासा पैंक ब्रिज से पहले कोई उनको चाकू से मार के चले गए। कौन मारे नोमान, अननोन पर्सन मार के चले गए। उनके मेडिकल शॉप का नाम क्या है? कुवे शफी उनका मेडिकल का नाम। ये सब कुछ रीज़न वगैरह? रीज़न तो कुछ भी नहीं है। आज तक किसी भी दुश्मनी भी नहीं होगा, कुछ भी आज किसी भी दुश्मनी नहीं है। कौन मारे पता नहीं। नुमान भाई एज क्या रहती है? नुमान भाई का एज 45 है, मेरे बहने है, मैं उनका साला हूँ। ठीक। रियासत के रंगारेड्डी ज़िले अब्दुल्लापुर मेट मंडल में सारिखों ने हलचल मचाते हुए 179 मकानात को निशाना बनाया।
बताया कि बाटा सिंगरम के इलाके में 9 मकानों से तिलाए जेवरात, चांदी के जेवरात और नगद रकम का सरखा किया गया। जिन मकानात पर खुफल थे उन्हें ही निशाना बनाया गया और राह फरार इख्तियार की गई। मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और सारखीन की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दी गई। जुबली हिल्स में वाक़ टूट पब के पास मुकामी मकीनों की तरफ से धरना मुनज़िम किया गया। बताया गया है कि पब के पास रात के औकात में हंगामा रहता है और अक्सर लड़ाई झगड़े भी पेश आते हैं। नशे की हालत में लड़के लड़कियां गैर महज़ब हरकतें करते हैं। मुकामी मकीनों ने कहा कि रात देर गए शोरगुल की वजह से ज़यीफ़ों, ख़वातीन और बच्चों की नींद उड़ गई है। मकीनों ने पब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आइए देखेंगे ब्रेक के बाद की खबरें। एसओटी रचाकोंडा टीम ने गांजे की मुंतकली में मुलविस 10 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 240 किलो गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 90 लाख रुपए बरामद किए गए। एसओटी एलबी नगर जोन और वनस्थलीपुरम पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की और रियासत आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र हैदराबाद के थ्रू स्मगल किए जा रहे इस गांजे को जब्त किया। रचकोंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम और हमारे वनस्थलीपुरम पुलिस ने हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जो हमें समाचार मिला उसके ऊपर एक्ट करते हुए आज सुबह वनस्थलीपुरम ऑटो नगर एरिया में एक गैंग को पकड़ा है। इस गैंग में केरला राज्य से संबंधित 4 लोग, आंध्र प्रदेश से संबंधित 3, महाराष्ट्र से मुंबई से खासकर 2 और यहाँ तेलंगाना का 1, तकरीबन 10 लोगों की ये गैंग है। इनको आज हिरासत में लेके उनके पास से 240 केजी गांजा, एक लॉरी, एक मारुति एर्टिगा व्हीकल, एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार, 8 लाख रुपए कैश, 19 मोबाइल फोन, ये सब हमने तकरीबन 90 लाख का माल हमने बरामद किया। ये जो गैंग है इसका जो मुख्य सूत्रधार है शिवन कृष्णन, ये केरला का रहने वाला है लेकिन काफ़ी दिनों से उसने अपना बेस आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर में उड़ीसा स्टेट के गौंडला करके अनुरकोटा विलेज वहाँ पे बेस बनाया है और वहाँ से वो ऑपरेट करता है। ये जो गैंग आज हमने पकड़ी है इसमें ये डेस्टिनेशन जो था इनका महाराष्ट्र का मुंबई था और मुंबई से भी 2 लोग संतोष लाल जी बनवरलाल अग्रवाल जो विक्रोला वाकोला पाइपलाइन सांताक्रूज ईस्ट मुंबई हाउस चाल कमेटी करके और तेजस कुमार ये आनंद निवास मिचुम्बे विलेज नवी मुंबई पनवेल ईस्ट वहाँ का रहने वाले, ये दोनों को भी हमने आज इसमें अरेस्ट किया है। एक केस में हमने देखा है कि 8,000 रुपये से पर केजी ये लोग आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर से गांजा वहाँ पे परचेस करते हैं और 15,000 रुपये केजी वो डेस्टिनेशन प्लेस पे जो बाकी पेडलर है उनको ये लोग बेचते हैं। इस गिरोह में जो
तेलंगाना का जो आरोपी हमें मिला है जिसका नाम अंगाड़ी उपेंद्र है, वो मरीपेड़ा विलेज महबूबाबाद का रहने वाला है और 2015 में राजमंड्री पुलिस ने और 2016 में खम्मम पुलिस ने यही गांजा केसेस में इसको अरेस्ट किया था। ये जो 10 लोग अभी हमें मिले हैं उनके खिलाफ पक्का पीडी एक्ट के अंदर कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस अच्छे काम को हमारे SOT LB नगर की टीम और हमारे वनस्थलीपुरम टीम और उनके साथ साथ जो हमारे जो इंटेलिजेंस के। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। TRS पार्टी को जिले सतह पर मुस्तहकम करने और किसानों की भलाई के इकदाम के लिए हमेशा तैयार रहने की हिदायत वज़ीर-ए-आला KCR ने पार्टी कायदीन के अहम इजलास से किया खिताब। मजलिसी अराकीन असेंबली और अराकीन बल्दिया ने मुतालिका हलकों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का किया मुआयना, कामों को जल्द तकमील करने की अहदेदारों को दी हिदायत। सनत नगर असम्बली हलके में 1,922 करोड़ रुपये की लागत से 248 डबल बेडरूम की तामीर रियासती वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। पुराने शहर के पंजेशा में एक ओमिक्रॉन केस मंजर आम पर टीम्स को मुंतकली, रियासत भर में 9 ओमिक्रॉन केसेस की महकमे सेहत आमा के डायरेक्टर ने की तौसीर। गांजे की मुंतकली में मुलविस 10 अफराद जेर हिरासत, 240 किलो गांजा जब्त। SOT LB नगर जोन और वनस्थलीपुरम पुलिस की मुश्तरक कार्रवाई। इसी के साथ उर्दू न्यूज यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।